नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर सियासत का जो कखहरा होता है, अगर इसे किसी ने समझाने का काम किया है, तो किसी ने वैश्विक पटल पर रखने का काम किया है, तो वो बिहार ही है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार की राजनीति कब किस ओर करवट लेगी, इसके बारे में भी कुछ कहना असंभव ही होता है। हमने देखा था कि एक दूसरे के धुर विरोधी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी किस प्रकार से जातीय जनगणना के मसले पर एक साथ जाते हैं। सहजता नजर आती है, चेहरे में चमक रौनक नजर आती है, और इसके बाद एक बड़ी बात हो जाती है। देखिए, आपको बता दें कि पटना का बीरचंद पटेल पथ राजनीति का मक्का मदीना है, राजनीति का महाकुंभ। यहाँ जो है आपको दिख जाएंगे तमाम पार्टी, तमाम बड़े पार्टी का कार्यालय। अगर नाम से देखें तो आपको बीजेपी का कार्यालय दिख जाएगा पटना के बीरचंद पटेल पथ में, जदयू का कार्यालय दिख जाएगा, राजद का कार्यालय दिख जाएगा। ये तीन मुख्य पार्टी का कार्यालय आपको जदयू जो बीरचंद पटेल पथ है उसमें आपको दिख जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जदयू के राष्ट्रीय, हम बात करें तो नेशनल काउंसिल, नेशनल कमेटी की जो मीटिंग है वो होनी है। तो ऐसे में आज जो है बहुत बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। सियासी गलियारों में बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है कि जदयू में कुछ बड़े संगठन में जो है बड़े कुछ फेरबदल हो सकते हैं, इस तमाम चीजों पर मुहर लग सकती है। लेकिन जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के लिए जो नए पद बनाए गए हैं, संविधान में संशोधन किया गया है, उस पर तो मुहर लगने हैं ही, लेकिन बहुत सारी बातें चल रही है। लेकिन इसी बीच ये बात स्पष्ट हो गई कि जदयू के गुटबाजी को समेटने में नीतीश कुमार जी कामयाब रहे। पोस्टर ने बहुत सारी बातों को कह दिया और तमाम गुट के लोग जो हैं आज एक जगह नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच बीरचंद पटेल पथ में ही नीतीश कुमार जी के पड़ोसी हैं, हम बात कर रहे हैं राजद की, जदयू के बगल में ही राजद का कार्यालय है, वहां पर कुछ अलग हलचल चल रही है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव जी दिल्ली से लौट करके आए हैं, अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात करके लौटे हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव जी अपने पुत्र, बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव जी को समझाने बुझाने में कामयाब होंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव जी यहाँ पहुंचे तो हैं, लेकिन भीतर ही भीतर जगदानंद सिंह जी से अब कोल्ड वार चल रहा है। खुल करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोल्ड वार कर रहे हैं, लेकिन राजद कार्यालय नियमित रूप से अब पहुंचना शुरू कर दिए हैं। राजद कार्यालय में उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें छात्र, युवा और अन्य नेताओं के साथ वे मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजद कार्यालय पहुंचने से पूर्व आधी रात को तेज प्रताप यादव जी पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, और पटना यूनिवर्सिटी जाकर के छात्रों से संवाद स्थापित करने का उन्होंने काम किया था। इसके बाद आज राजद कार्यालय में छात्रों, युवाओं के साथ वे मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजद के जो MLC हैं, विस्कुमान वाले नेता, हम बात करें सुनील सिंह जी की, वे भी उस दौरान वहां नजर आए, तेज प्रताप यादव जी के साथ बैठे हुए हैं। तेज प्रताप यादव जी ने इस तमाम जानकारी को जो है सेकंड लालू तेज प्रताप यादव जी के पेज से शेयर किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि दो मुख्य दल में जो है, जहां गुटबाजी की बात आ रही थी, सियासी संग्राम की खबर आ रही थी, तो दोनों जगह आज जो है एक मीटिंग चल रही है। तेज प्रताप यादव जी अलग मीटिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी और उनका पार्टी अलग मीटिंग कर रहा है। दोनों मीटिंग के मकसद भी और मायने भी अलग अलग हैं, लेकिन बिहार की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ना तय है। जो है भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।